Hello students, we are going to continue our next chapter, that is chapter number 15, probability. Up to question number 18 we have completed already. Now we are going to start from question number 19, that is a child has a die whose six faces show the letters as given below. The die is thrown once. What is the probability of getting A and D? अब इसमें क्या बताया है, एक die है एक बच्चे के पास, उसमें सिक्स फेसेस जो होते हैं उनको हमने लेटर्स से डिनोट करा है. इसमें लेटर्स कौन से दिए हैं, ए बी सी डी ई अगेन ए, ठीक है. और उसके बाद एक ही बार उस डाई को थ्रो किया गया है. अब हमें बताना है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फर्स्ट ए की और सेकंड डी की. तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हैं, टोटल कितने फेसेस होते हैं डाई के, सिक्स. तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स भी सिक्स होंगे. द टोटल नंबर ऑफ फेसेस हैविंग ए ऑन इट. अब दो ए कितनी बार दिया है हमें, दो बार दिया हुआ है, स्टार्टिंग पर भी एंडिंग पर भी. तो ए के इवेंट्स कितने हो जाएंगे, टू. द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी ए गेट करने की, टू अपॉन सिक्स, क्योंकि टू हमारा ऑलरेडी नंबर ऑफ इवेंट्स है और टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हैं, सिक्स, दैट इज इक्वल्स टू वन अपॉन थ्री. सेकेंड, टोटल नंबर ऑफ फेसेज हैविंग डी ऑन इट. अब कितने फेसेज हैं जिसमें डी लिखा हुआ है, एक ही है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी इज वन अपॉन सिक्स, वन उसकी प्रोबेबिलिटी है इवेंट की और टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हैं, सिक्स. तो यहाँ पे इसकी डी की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, वन अपॉन सिक्स. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन शोन इन द फिगर. हमने अचानक से एक ड्रॉप है ना डाई को छोड़ा और वो एक रेक्टेंगुलर रीजन पर जाके गिरा और ऐसा हमने फेस में दिया हुआ है, जैसे इसमें ना फिगर में दिया हुआ है. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल विथ डायमीटर वन मीटर. क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो डाई गिरा है वो आकर के इस सर्कल के अंदर ही गिरेगा जिसकी डायमीटर वन मीटर ऑलरेडी गिवन है. एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया हमें दिया हुआ है रेक्टेंगल का साइज, उसकी लेंथ कितनी दी है, थ्री मीटर, और ब्रेथ दी है टू मीटर. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एल इन टू बी. तो क्या हो जाएगा, लेंथ कितनी है, थ्री इंटू टू, दैट इज सिक्स मीटर स्क्वायर. एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, अब यहाँ पे सर्कल का डायमीटर हमें ऑलरेडी दिया है क्वेश्चन में वन मीटर. अब रेडियस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उसका हाफ कर देंगे, ठीक है. अब एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, उसकी वैल्यू पुट अप कर देंगे, पाई आर की जगह क्या आ जाएगा, हाफ स्क्वायर. हाफ का स्क्वायर क्या होगा, वन बाय फोर, दैट इज इक्वल टू पाई बाय फोर मीटर स्क्वायर. द प्रोबेबिलिटी दैट डाई विल लैंड इनसाइड द सर्कल, तो सर्कल के अंदर ही वो लैंड वो आएगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, पाई बाय फोर, मतलब ये एरिया ऑफ सर्कल इनटू वो सॉरी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ रेक्टेंगल. जितना एरिया ऑफ सर्कल है इसमें से हम डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ रेक्टेंगल कर देंगे, दैट इज इक्वल्स टू पाई बाय 24. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21. अ लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेंस ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव. अब एक बंडल है जिसमें 144 बॉल पेन्स है जिसमें से 20 डिफेक्टिव है ऑलरेडी गिवन है, एंड द अदर आर गुड, और जितने बचे हुए हैं वो सब अच्छे हैं. नूरी विल बाय अ पेन इफ़ इट इज़ गुड. अब नूरी एक गर्ल है कोई भी, वो ना पेन तभी खरीदेगी अगर वो पेन सही हुआ, बट विल नॉट बाय इफ़ इट इज़ डिफेक्टिव, और यदि कोई वो डिफेक्टिव पेन निकल आया तो वो नहीं खरीदेगी. द शॉपकीपर्स ड्रॉज वन पेन एट रैंडम एंड गिव इट टू हर. अब शॉपकीपर ने क्या करा, एक पेन निकाला उसमें से और लड़की को दे दिया. व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल बाय इट, शी विल बाय इट, मतलब क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो लड़की खरीदेगी कब, जब वो पेन अच्छा होगा. तो मतलब हमें क्या निकालना है यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड पेन्स. और नेक्स्ट में कह दिया है शी विल नॉट बाय इट, अब वो खरीदेगी कब, नहीं जब वो डिफेक्टिव पेन होगा, मतलब यहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन्स की. द टोटल नंबर ऑफ पेन्स कितने हैं, 144. द नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन्स, अब डिफेक्टिव पेन्स कितने हैं, 20 हैं. द नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव पेन्स, अब गुड वाले पेन कितने बचे हमारे पास, 144 में से हमने 20 माइनस कर दिए, दैट इज इक्वल टू 124. अब फर्स्ट कंडीशन, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स, गुड कंडीशंस वाले पेन कितने हैं, 124 हैं, जिसमें से कि है ना उसको एक भी पेन निकाल के देना है. तो प्रोबेबिलिटी दैट शी विल बाय इट, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, वो खरीद लेगी, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पेन्स. तो क्या करेंगे, पहले हम गुड पेन की ना प्रोबेबिलिटी लिखेंगे अपॉन में टोटल नंबर ऑफ पेन की क्वांटिटी लिखेंगे, दैट इज इक्वल्स टू 124 अपॉन 144, ऑल्सो इक्वल्स टू 31 अपॉन 36. सेकेंड कंडीशन, द नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स, मतलब शी विल नॉट बाय इट,
कि वो डिफेक्टिव पेन्स है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि 20 पेन्स थे डिफेक्टिव और टोटल नंबर ऑफ पेन्स कितने हैं 144, 20/144 दैट इज इक्वल टू 5/36. ओके, इफ़ यू हैव डाउट यू कैन आस्क. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, रिफर टू एग्जाम्पल 13(1). कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल. आपके है ना बुक में आप देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 13 का पार्ट फर्स्ट, उसको देख करके आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है. ये टेबल जो दिया है यहाँ पे ये वाला, इसको कंप्लीट करना है. अ स्टूडेंट आर्ग्यूज दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स. अब एक स्टूडेंट है वो क्या बोल रहे हैं, 2 to 12 में 11 आउटकम्स हैं, देयरफॉर ईच ऑफ देम हैज़ प्रोबेबिलिटी 1/11, और इसलिए सबकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/11 होगी. जैसे यहाँ पे मैं 2 की प्रोबेबिलिटी निकालूंगी दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1/11, चाहे 9 की निकालो, 10 की, 11 किसी की भी निकाल लो, सबकी 1/11 होगी. उसके अकॉर्डिंग डू यू एग्री विद दिस आर्ग्यूमेंट, क्या हम एग्री हैं इस आर्ग्यूमेंट से, और यदि नहीं है तो हमें अपना आंसर जस्टिफाई करना होगा. स्टार्ट योर क्वेश्चन. इवेंट्स दैट कैन हैपन ऑन थ्रोइंग 2 डाइस. अब 2 डाइस फेंक रहे हैं तो उसमें इवेंट्स कितने हो सकते हैं, हमने 2 बार डाई को फेंका तो 6 × 6 दैट इज इक्वल टू 36 इवेंट्स उसमें आएंगे. यहाँ पे कितने आ रहे हैं ये देखो, आप यहाँ से ये काउंट करोगे ये पूरे 36 इवेंट्स हैं. टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने होगा 6 × 6 दैट इज इक्वल टू 36. फर्स्ट कंडीशन टू गेट द सम एज 2. अब उन दोनों का सम जो है वो 2 है, तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कौन से हैं, 1, 1. ठीक है, बाकी और कहीं से सम करने में 2 आ रहा है, नहीं आ रहा, सिर्फ 1, 1. तो पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं 1. टू गेट द सम एज 3. अब 3 अगर हम आंसर निकालना चाहते हैं किसी भी दो नंबर को प्लस करके, तो पॉसिबल आउटकम्स कौन कौन से हैं, 1, 2 and 2, 1. नेक्स्ट टू गेट द सम एज 4. 4 के लिए 1, 3, 2, 2, 3, 1. 3 आउटकम्स हो गए. सेम है 5 के लिए 4, 1, 2, 3, 3, 2 और 1, 4. और नेक्स्ट 6 के लिए ऐसे आप हम कंटिन्यू उसमें देख सकते हैं, कहाँ तक देख सकते हैं 7, 8, 9, 10 है ना पॉसिबल आउटकम्स तक देखेंगे, 11 and 12 तक भी देख लेंगे. 6 × 6 = 6 दैट इज इक्वल टू 12 तक ही देख लेंगे. अब नंबर इवेंट सम ऑन डाइस. अब इवेंट का जो सम ऑन ना है दोनों डाइस का मिला करके, वो कहाँ से स्टार्ट हो सकता है, 2 से लेकर 12 तक हो सकता है. तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी सबकी, 1/36 होगी. 1/36 सेकेंड वाले के लिए कितने आउटकम्स निकल रहे हैं, 3 लाने के लिए 2 आउटकम्स, 2/36. ऐसे हमने जितने नंबर्स काउंट करे हैं उनकी प्रोबेबिलिटी सबकी अलग अलग होगी, और किसी किसी की सेम भी हो सकती है. जैसे फर्स्ट और लास्ट वाले की सेम होगी, लास्ट सेकेंड ऑफ स्टार्टिंग सेकेंड की सेम होगी, ऐसे करके. नो आई डोंट एग्री विद द आर्ग्यूमेंट, इसलिए हम इस आर्ग्यूमेंट से एग्री नहीं हैं कि सबकी पॉसिबिलिटी 1/11 होगी. सबकी पॉसिबिलिटी 1/11 नहीं होगी, इट इज़ ऑलरेडी जस्टिफाइड इन एग्जाम्पल नंबर 13 पार्ट फर्स्ट, इसमें ऑलरेडी गिवन हूँ. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23. अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ 1 रुपी कॉइन 3 times. एक 1 रुपी का कॉइन है, उसको 3 times उसको टॉस करना है, एंड नोटिसिंग इट्स आउटकम ईच टाइम. हर बार उसका आउटकम जो आ रहा है वो देखना है. हनीफ विंस इफ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट. अब हनीफ जीत जाएगा कब, जब उसके तीनों टॉस के जो रिजल्ट है वो सेम आएगा, दैट इज 3 heads or 3 tails, या तो 3 head आने चाहिए अदरवाइज 3 tail आने चाहिए, एंड लूजेज अदरवाइज, और यदि ऐसा नहीं हुआ तो वो हार जाएगा. कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लॉस द गेम. अब हनीफ हार जाएगा इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे उसके ना आउटकम्स निकालें. द इवेंट्स दैट कैन हैपन इन टॉसिंग 3 coins. 3 coin को जब टॉस करेंगे तो कितने ना पॉसिबल आउटकम्स हैं, 8. टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने होगा, 8. हनी विल लूज द गेम इफ ही गेट्स अगर उसको हनी हार जाएगा अगर कब, जब उसमें ना किसी 2 coin में ना सेम आ गया, एक में अदर है, या फिर किसी एक में से है ना 2 एक जैसे हैं फिर एक दूसरा ऐसे करके आ गया तो वो हार जाएगा. तीनों एक जैसे होने चाहिए उसको जीतने के लिए. द फेवरेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स. फेवरेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स कितने हैं जो उसके लिए हरा देंगे, वो कितने हैं, 6. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेट लॉजिंग द गेम, और यदि क्या प्रोबेबिलिटी कि वो गेम हार जाएगा, दैट इज इक्वल टू 6/8 दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 3/4. नाउ नेक्स्ट दैट इज क्वेश्चन नंबर 24 and 25. दिस यू कैन डू इट बाई योर सेल्फ, यू हैव टू ट्राई इट एंड इट विल बी योर होमवर्क. ओके,